போயிட்டு வந்தா सोमी दर तलपा कट्टी बिरयानी करके फेमस है जो अपने पीछे ही है एग्जैक्ट। तो चलो ओना बाय बाय पाकला। अपन अभी खड़े बेंगलोर बेंगलोर बस डेपो में। गुड मॉर्निंग फ्रॉम नेटिव प्लेस तमिलनाडु तिरुनेलवेली सुरंडई। सो आज बैक टू राइड स्टार्ट हो रहा है। सो या हेलो वनक नमस्ते नमस्कार अस्सलाम वालेकुम दिस इज वेलकम बैक टू माय टू चैनल गोरियाकर एक। सो कैसे हो? सो राइड फिर से स्टार्ट हो रहा है तमिलनाडु टू मुंबई एंड यहाँ से हमें दो रूट अभी तक मैप मेरा फिक्स नहीं हुआ है जाने का था मेरे को केरला का रूट से बट केरला का रूट से 3 या 4 डेज हो जाएगा बट अपने पास टाइम नहीं है तो अपन को जल्दी निकलना है एंड अभी सोच रहा हूँ बेंगलोर का जो रूट से आया था वही रूट से रिटर्न जाऊँ। सो अपने साथ अपने बड़े वाले भाई चेन्नई में रहते सो वो भी अपने साथ आ रहे हैं मदुरई तक तो वहाँ से उनका अलग रूट अपना अलग रूट हो जाएगा। ये वाला जो ब्लॉग है ये भी सेम वैसे सीरीज टाइप का बनने वाला है पार्ट 1 पार्ट 2 एंड पार्ट 3 तीन दिन लगने वाला है। सो टेल बैग टैंक बैग सब लगा के हो गया अभी सिर्फ चेन लूप और चेन क्लीन मारने का उसके बाद जैकेट शूज ग्लव्स वगैरह पहन के राइड स्टार्ट करते और लिटरली बोलो ना छोड़ के जाने का मन नहीं कर रहा है गाँव छोड़ के बट क्या करें अपना उधर भी बहुत काम है। सो चलो फिर निकलते एंड राइड स्टार्ट करते बने रहो। सो सब सेट हो चुका है एकदम से टैंक बैग वगैरह सब सिर्फ ग्लव्स पहनने का और निकलने का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैप रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके 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 तो हाँ सर हुक्मा गणपति उप्पा चल बेटा हाँ बेटा हाँ हाँ चल मा बेटा रो ओके मूव ऑन हो गए। सो अभी एक छोटा फॉर्मेलिटी है जो भगवान का दर्शन तो बनता है अभी आने का गणपति बप्पा के मंदिर पे अभी बप्पा हमारे पीछे। सो ये जो सामने दिख रहा है ये अपना मंदिर है इसका हर साल त्योहार के लिए हम लोग आते बहुत मिस करेंगे। चलो चलो बस और एक ही मंदिर है वो मंदिर पे भी पैर पड़ के देन राइड स्टार्ट करते। सुबह 5 बजे निकलने का प्लान था बट देखो कितना बज गया अभी तो 8 बजने आ रहा है 7:45 हो रहा है। सर फार्म बा पैटर्न बा ओके द राइड विल बी स्टार्टेड
अब अपने साथ अपने बड़े भाई भी आ रहे जो चेन्नई आ रहे, इधर है अपने बड़े भाई, सो ना मदुरई तक है, फिर उसके बाद उनका अलग रूट हो जाएगा। बने रहो, हम लोग से मिलता हूँ मैं थोड़े आगे जाके, एंड ज़्यादा बैटरी भी यूज़ करते रहूँगा, चार्ज खत्म होते रहेगा आपका, और भी बढ़िया व्यूज़ दिखाने का, बढ़िया जगह दिखाने का। तो चलो बने रहो, नेक्स्ट स्टॉप किधर है पता नहीं, अपना आज का डेस्टिनेशन ओसूर डाला हूँ, देखते हैं जितना होगा उतना कर्नाटका तक पहुँचेंगे, आज तमिलनाडु क्रॉस करेंगे। चलो फिर बने रहो, पेट्रोल फुल कर देते, पेट्रोल भरना तो ज़रूरी है। फर्स्ट पेट्रोल फिल कर दिए, सो लेट्स स्टार्ट द राइड। हम लोग मदुरई के बाजू में, एंड बड़े वाले भाई को यहाँ से ऊपर से जाने का था, थोड़ा आगे आ गए, तो चलो होना बाबा पाकला। हाँ चल होना पापा, अपने साथ आ रहे थे भाई, अभी भाई भी चले गए, अभी सोलो रेड जैसे आए थे वैसे ही, सोच रहा हूँ सीधा जाके तिंडगल में ब्रेक लूँ, मेरेगा तो तिंडगल में आज बिरयानी खाएंगे, तो फिर बने रहो। चलाने का इसलिए कभी भी कुछ भी हो सकता, कोई भी जगह में नजर हटी तो दुर्घटना घटी, संभाल के चलाओ। ओके नाउ वी आर इन तलपाकट बिरयानी, तिंडकल में अपन, अभी तिंडकल में हाय मतलब बिरयानी खाना तो बनता ही है। बाइक पार कर लेते हैं, पर बहुत पुराना 1957, तलपा कट्टी, सो गाइस एक छोटा सा ब्रेक, 11 बज गया, तो किधर ब्रेक किए पता है, अभी हम लोग एग्जैक्ट है तिंडकल में, और तिंडकल में एक चीज़ है बहुत फेमस है, तलपाकट्टी बिरयानी। सो इधर तलपाकट्टी बिरयानी करके फेमस है, जो अपने पीछे ही एग्जैक्ट देखे, देखो तलपाकट्टी बिरयानी फेमस है, एंड एफसी को पार कर दिया हूँ, सो चलो चलते अंदर तलपाकट्टी। सो चलो, सो चलो ये ऑर्डर देते, तो स्टार्टर आ गया, स्टार्टर विद सूप गया, यहाँ का स्टार्टर है ये कुत्तू परोठा एंड चिकन फ्राई। सो अभी सिर्फ मेन डिश आना बाकी है, जो है तलपाकट्टी बिरयानी, उसका ही वेटिंग है। सो मुझे लगा स्टार्टर इतना ही है, बाद में मालूम पड़ा ये भी स्टार्टर ही है, लीजिएगा एंड चिकन बिरयानी एंड कुछ है पता नहीं, गुलाब जामुन वगैरह, सो रसगुल्ला वगैरह, सिर्फ स्टार्टर है, इसके बाद आ रहा है मेन डिश। ये स्टार्टर है ठीक है मान लिया, बट ये पता नहीं। सो गाइस बिरयानी का कर हो गया, एकदम बढ़िया था, एकदम बोले तो एकदम बढ़िया। और एक बात बताऊँ, जो बोला था मेन बिरयानी आने वाला है, बट हम लोग ने नहीं लिए,
क्योंकि ना जो स्टार्टर था वो एक आके पेट भर गया पूरा, क्योंकि और साथ में वो बिरयानी ये था ना, और एक वो भी तिंडुकल बिरयानी है, सो तिंडुकल तलपा कट्टी तो खा ली बिरयानी, बट और एक्स्ट्रा दो बिरयानी बोल दो सो कैंसिल कर दिए, क्योंकि अभी राइड करना है और नींद आएगा, ज़्यादा खाएंगे तो नींद आएगा और वॉमिट होने का भी चांसेस है ज़्यादा खाने से, सो लिमिट में खा लिए, सो पेट भर गया, तलपा कट्टी बिरयानी भी खा लिए, सो अभी निकलते हैं फिर से बैक टू राइड स्टार्ट करते एंड चलो फिर मिलते रास्ते में। बेचारा अपने अफजी अकेला खड़ा है, बैग सब इधर ही रख के चले गए थे, सेफ है सामने कैमरा है, सो चलो हो गया खाना बिना खा कर अभी चलो फिर निकलते राइड बैक टू राइड स्टार्ट करते। चलो सो चलो गणपति बप्पा मौर्य हर हर महादेव। चलो फिर टाइम हो रहा है 12:30, वो अपन लोग कैसे भी करके आज ओसूर मतलब तमिलनाडु कर्नाटक बॉर्डर टच करना है, चलो देखते। सो एक छोटा सा ब्रेक, चला चला के नींद आ गया, टाइम हो रहा है 1:30 बज रहा है, चलाते चलाते ना बहुत नींद आने लग गया, सो एनर्जी के लिए थोड़ा गन्ने का जूस थोड़ा पी लेते। हम लोग अभी है करूर, तो आज का टारगेट और 250 किलोमीटर है, मिलते रात होने से पहले किधर एक जगह में स्टे कर लेंगे, तो चलो फिर बने रहो मिलते आगे। अच्छा चलो फिर से स्टार्ट करते राइड गणपति बप्पा मौर्या, यहाँ से और 250 किलोमीटर मेरा टारगेट है ओसूर के लिए, सो चलो सेलम सिटी के अंदर है अपन। सो अपन अभी है ओसूर, ओसूर कर्नाटक और तमिलनाडु का बॉर्डर है, सो अभी सोच रहा हूँ और यहाँ से बेंगलोर जाते 40 किलोमीटर से, चलो वहाँ पर जाके ब्रेक लेते, तो फिर बने रहो। सो अपन अभी खड़े बेंगलोर बेंगलोर बस डिपो में एंड देखो कितना बड़ा डिपो है अभी सिर्फ इधर कुछ पता नहीं और लैंग्वेज भी पता नहीं है, अपना हिंदी और तमिल और इंग्लिश उसमें थोड़ा मिक्स करके चलाने पड़ेगा, और अब भी जाने का रूम ढूंढने के लिए गूगल है थोड़ा सर्च करके देखते, जो भी है अच्छा रेट में कम रेट में मिलेगा तो ले लेंगे रूम। सो चलो फिर चलते हैं रूम के यहाँ पर, रूम लेते देन मिलता। सो फाइनली रूम पर आ गए, आज कम से कम 750 किलोमीटर्स राइड किए, मॉर्निंग 7:30 से लेके अब भी 7:30, टोटल 12 घंटा ट्रैवल किए। या और बेंगलोर सब बिग सिटी आपको तो पता ही रहेगा, बहुत कुछ इधर घूमने के लिए देखने के लिए, बट अभी आप उनको पॉसिबल नहीं है। जो नेक्स्ट ब्लॉग रहेगा वो रहेगा बेंगलोर टू गोवा, फर्स्ट टाइम गोवा, सो देखते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में देखो। बाकी सब बढ़िया था, मस्त में हो गया, तो आई होप कि आज का ब्लॉग आपको पसंद आया रहेगा, तो पसंद आया तो क्या करना है, लाइक कर दो, शेयर कर दो एंड कमेंट कर दो, साथ में बेल आइकन को दबा दो, उसके पहले जो भी नया है जो सब्सक्राइब करके जाओ एंड बाकी सब एकदम बढ़िया है। सो एज ऑलवेज मंत्री धन्यवाद, खुदा हाफिज़, थैंक यू, टाटा बाय, टेक केयर, लव यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके ये देखो तिंडुकल तलपा कट्टी बिरयानी, यहाँ से जाने का था खैर, ये देखो चाचा यहाँ से जाने का था मेरे भी यार के तेरा रूम। मुझे लगा ऐसा 8 डालने से निकल जाएगा, बाद में मालूम पड़ा खाच रखा हुआ है इधर, वहीं से निकलने वाला था 8 डाल के।